हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी का सीन ये है कि मैं अभी नीचे से ऊपर आ गया हूँ, बिल्कुल रेडी होके नहा के, और अभी सौरदा बाथरूम में नहा रहे हैं। तो आज का हमारा ये प्लान बना है कि हम कल ओवन लाए थे, इसमें पिज्जा बनाएंगे, तो हमारा फेवरेट है पिज्जा। तो भाई जो फिलहाल अभी चल रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, और मम्मी जा रही है सत्संग में। नवरात्र चल रहे हैं ना, चलो मम्मी ढोलक उठा के निकल लेती है बस। नवरात्रि में तो मम्मी जी का ही चलता है, ढोलक उठा के निकल लेती है अपनी सहेलियों के साथ में सत्संग करने के लिए। पहले मार्केट चलते हैं और सामान लेके आते हैं पिज्जा बनाने वाला जो भी होता है, और फिर बनाते हैं, देखते हैं कैसा पिज्जा बनता है हमारा फेवरेट। तो अभी टाइम हो रहा है दिन के 12:38, और आज एक प्रॉपर ड्राइंग स्टार्ट कर दिया पूरी फैमिली वाली, जिसकी आउटलाइन बना दी है, मैं दिखाता हूँ। सो ये मम्मी जी हैं, पापा जी, पीयूष एंड साहिल। तो यही आउटलाइन मैं बना रहा था, अब इसमें शेडिंग करेंगे, पेंसिल से बनाएंगे कंप्लीट। मैंने खुद की नहीं बनाई, बिकॉज मेरे से खुद की कभी बनती नहीं है, मैंने बहुत बार ट्राई कर रखा है, तो मेरे को छोड़ के मैं सबकी बनाऊंगा एक ही बड़े पेपर के ऊपर, जो कि ये रहा। और वैसे भी जगह भी नहीं है, पेपर पूरा भर चुका है। साहिल, पीयूष, मम्मी और पापा जी आ चुके हैं। अभी तो मैं ड्राइंग कर रहा था, पिज्जा शाम को बनाएंगे, बिकॉज अभी बाहर बहुत धूप हो रही है, तो सब्जी मंडी जाना पड़ेगा और पिज्जा का सामान लेने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा। कौन है? नवीन, और यो ओवन चलाना आता है? बनाए पिज्जा, पानी करें? पानी करके देखते हैं। ले इस पानी को गर्म बीच में रखियो ध्यान से भाई, कांच का गिलास नहीं डालते शायद इसमें। अरे हाँ यार, सिर्फ 30 सेकंड में पानी गर्म हो चुका है, मिशन पास्ट। अब इसमें पिज्जा बनाएंगे। पानी पिएगी लड़की, पानी पिएगी, ले पी ले। क्या कर रही थी अभी तक बाहर? कहाँ का? तो अभी हम जा रहे हैं पिज्जा का सामान लेने के लिए, मैं साथ में नवीन, अभी को उसको पता है क्या क्या लेना है हमको, तो वही दिलाएगा जो लेना है। एंड गाड़ी अपनी आज यहाँ खड़ी है। अरे हॉर्न, वाह, मौज कर दी भाई, मौज कर दी। अभी पहले कहाँ जाना है? सब्जी मंडी जाना है। एक पिज्जा बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ओए आम, आम भाई, आम तो जरूर लेंगे। ओ भाई साहब, आम आम आम। किसी मास्क लगा रखा है तूने? शिमला मिर्च कैसे दी? सही लगा लो। किसी छाट ले, तू भी छाट ले एक, ये वाली छाट ले, ले। ऐसा लग रहा है नकली है। मैंगो शेक पीते हैं चल, एक मैंगो शेक, एक मौसमी शेक। मौसमी शेक बोलते हैं, मौसमी जूस बोलते हैं। अरे एक मिनट, हेलमेट तो उतारना पड़ेगा। तो मैंगो शेक तो पी लिया, काफ़ी मस्त था। और यो इतनी देर में तो आप पिज़्ज़ा मंगा के खा भी लेते हैं। तो सब्जी मंडी का काम भी हो गया है, मार्केट का काम भी हो गया, अब चलते हैं। क्रिस्टा लिखा हुआ है, ये मस्त लग रहा है। ये लगवाया कहाँ से है ये पूछ रहे हैं? किसी गाड़ी है ये? ये देखिए तो मस्त लग रहा है पीयूषी, अपनी इनोवा में लग जाएगा ना। अपनी तो वैसे भी वाइट है, वाइट में ब्लैक मस्त लगेगा। किसकी है पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दुकान वाले को दिखा देंगे, भाई अपने को हमारी गाड़ी में ये करवाना है, मस्त लग रहा है ना, और अलग ही लुक आ रही है। देख अपने क्रिस्टा के आगे लगेगा ना, मस्त लगेगा यहाँ पे। ओलो सौदा आगे है, ओलू और पिज्जा खाएगी लड़की। हियर वी हैव केचप, चिप्स, मैगी, ये तो मैं वैसे ही ले आया अपने लिए, ये मेरा, ये है चीज, ये तो रात के लिए जुगाड़ है अपना। तो अभी सारा सामान आ चुका है फिलहाल, अब मैं पहले तो ये शिमला मिर्च को कट कर लेता हूँ पतली पतली। नकली तो नहीं है सौदा, कहीं देखना प्लास्टिक की हो। इसकी बीज नहीं डालते ना शायद, इसकी बीज नहीं डालते भाई। अरे ये सब कट करते हैं बीज वाला। अरे यार बीज वाला हटाते हैं सब, अब हटाओ वो दाने। पीसी मैं सच्ची बता रहा हूँ, इतनी देर में तो ना मैं 4 बार पिज्जा ऑर्डर करके मंगा के खा भी लेते हैं, बट कोई बात नहीं, नया एक्सपीरियंस है, जरूरी है। बड़ी में होती ना भी ऐसी ऐसी 10 शिमला मिर्च काट देती सौदा, अभी इत्यादि बड़ी है ये और ही घूमर। जितने की मैं एक शिमला मिर्च लाया ना, उतने में पूरा पिज्जा जाता है। एक जो हम सॉल्टर वाला पिज्जा खाते उसके अंदर येलो वाली थोड़ी होती शिमला मिर्च होती है भाई। नहीं होती, सौदा कितना रुपया? 150 रुपया लेगा। मैं गरीब हूँ, मेरे पास 150 रुपया नहीं है, मेरे पास 1500 रुपया है। इतने लंबे लंबे पीस क्यों काट रहे हो? लंबे ही काटते हैं भाई, मैं खाऊंगा नहीं, मैं निकाल दूंगा शिमला मिर्च, आपको दे दूंगा। ठीक है अब रेड वाली की बारी है, अब की बार इसके अंदर का पहले निकाल लेता हूँ। मलुआ इसके अंदर का माल पानी निकाल लो, माल पानी कुछ ज्यादा है नहीं, बस थोड़े से बीज है। बड़े सालों के बाद शिमला मिर्च कटी है, कटी है, कटी। तो मेरे को क्या सूंघ रही थी देर से? तो सूंघ से तेरे क्या प्रॉब्लम हो रही है? दिक्कत आपको जब तू उसको किस करता है? जब मैं करूंगा मम्मी जी, आज मैं कलर वाली बोला यार, कलर वाली शिमला मिर्च, लाल और पीली। अच्छा ये पकी हुई है? पकी नहीं है ये, आपको भी सिखाऊंगा, फिर आप हमको बना के खिलाना। काट दोगे? तो गाइस सौदा को इतनी देर की काटते करते इतने बड़े मिर्च, 4-5 शिमला मिर्च आ गई थी। मम्मी का हाथ तो मतलब मम्मी का हाथ ही होता है यार।
टमाटर भी काटने, टमाटर मंगाए थे मैंने। जा टमाटर ले आ तू, पीयूष एक काम का टमाटर ले आ, हरी वाली इसमें काट दो। लो धोए हैं तूने? हाँ धोए हैं, धोए हैं। कितने काटे हैं? ये दो काट दो। मम्मी जी अभी भी सत्संग से आई है, सत्संग से आते ही फिर काम में शुरू हो गए। देखो दोबारा जाना है, दो सत्संग है आज। वाह यार बड़े हैवी सत्संग वाले हो रहे हो आप। अच्छा कॉर्न भी आ चुके हैं, टेस्टी है। तो गाइस आज मजा आने वाला है, पहली बार पिज्जा बनाएंगे और सभी लगे पड़े हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। टमाटर भी आ चुके हैं, टमाटर काटते हैं। चलो बस मम्मी टमाटर इतने बहुत हैं, चलो करो स्टार्ट। और ये देख रहे हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। तो गाइस ये है पिज्जा का बेस, पीयूष अभी सीख रहा है। एक बार और, ओ तीस दस मिनट डाल दिया पागल। बस स्टार्ट कर दे। ओह पीयूषी आ गया चलाना, ये सब बच्चे सबसे ज्यादा जल्दी सीखते हैं। चलो करो इसको स्टार्ट तो करो, इसमें क्या करना है अब। ये क्या है? बड़ी बड़ी ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है साहिल? साहिब पीयूषी देखिए देखिए लग रही है सुबह छत पे भाई। क्या है ये? क्या है? अरे मम्मी जी का तो नवरात्र चल रहा है तो व्रत है, मम्मी जी खा नहीं पाएगी। रोलर तो लाए नहीं, काटेंगे चाकू है, चाकू से काटेंगे रोलर। तू रहने दे, तू इतना प्रोफेशनल, रोलर नहीं लाए। तो फाइनल हमारा पिज्जा कुछ ऐसा लग रहा है, अब इसको करते हैं बेक। सीधा रखना क्या? तो ये हमारा पहला पिज्जा जाते हुए माइक्रोवेव के अंदर, जो कि पीयूष ने डाल दिया है। ओहो पीयूषी वेल डन, सीख गया, मेरे को भी नहीं आता भाई। ओए घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो हमारा पिज्जा अंदर घूम रहा है फिलहाल, अभी हम इतने दूसरा पिज्जा स्टार्ट करते हैं। दूसरा साहिल की बारी, अब साहिल बनाएगा, तीसरा मैं बनाऊंगा। पीयूष यहाँ बैठ चुका है, तू बैठा क्यों है? 10 मिनट का टाइम लगाया, 10 मिनट में तो बन ही जाएगा आराम से। नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए हमने उसमें प्याज नहीं डाला, बिना प्याज के वैसे उतना मजा नहीं आएगा, बट स्टिल कोई बात नहीं। तो गाइस 1 मिनट 14 सेकंड में हमारा पिज्जा रेडी हो जाएगा। अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है, मेरा बनाया हुआ पिज्जा खाने के लिए कौन कौन तैयार है? एक मिनट, काउंटडाउन के काउंटडाउन। अरे हाँ काउंटडाउन लगा। हेलो ठीक है, अंदर अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? 10 9 8 2 1 ओ भाई, ओ भाई ये क्या हो गया? ओए ओए अरे ये क्या हो गया? लग तो टेस्टी रहे काफी, इतने हम दूसरा डालते अंदर। ये वाला डाल दो। तो साहिल का ये, साहिल ने रेडी किया है। तो गाइस मिशन पास रिस्पेक्टेड प्लस बहुत अच्छा बना है, सबके रिव्यू। साहिल का कैसा लग रहा है? मजा आ गया नवीन भैया, जबरदस्त। और सरदा आपका ठीक है। तो चार पीस थे, हम चारों ने एक एक खा लिया है, एक दो हम पांच ने कैसे खाया फिर? साहिल और मैंने। अच्छा ठीक है, अभी इसके अंदर एक बन रहा है, एक मैं रेडी कर रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड पिज्जा खोलियो इसको। तो अपना पिज्जा मैंने डाल दिया थर्ड वाला। टेम्परेचर किससे होता है? इससे होता है, मुझे पता है। खराब हो गया क्या? अबे यार तो साहिल का पॉपर्ट हो चुका है, साहिल का पिज्जा बिल्कुल कड़क वाला बना है। नहीं खा जा रहा भाई, पीयूष सही बाजी मार गया, पहला पिज्जा ही मस्त बना गया। क्या कर रहा है? ओ भाई साहब ये लग रहा है ना मस्त। मेरे वाला पिज्जा गाइस सबसे बेस्ट था, सबसे बेस्ट। तो हमने बनाए 3 पिज्जा, उनमें से एक खराब निकला, 2 हम खा पाए 5 जने मिलके। तो चीज खत्म हो गई थी इसलिए चीज लेने के लिए गए हुए थे, जो कि आ चुके हैं फिलहाल। अब हमारे पास 3 पिज्जा बेस और बचे हैं, 3 पिज्जा और बन जाएंगे, बिकॉज अभी तो बिल्कुल भी भूख नहीं मिटी हमारी। आज तो मतलब पिज्जे ही पिज्जे बन रहे हैं, एक निकल रहा है दूसरा डल रहा है, एक निकल रहा है दूसरा डल रहा है। एक इसका भी आ गया। बाकी क्या कर दिया तूने इतनी चीज? सो दिस इज माय 5th पीस, इसके बाद नहीं खाऊंगा अब। लेकिन अब से नहीं खाएंगे, आज मैं आ गया, वो तो खा लिया भाई, आज के बाद पिज्जा नहीं खाऊंगा। आज के बाद पिज्जा नहीं खाऊंगा भाई, मन भर गया। पीयूष के फैंस मिलने आए हैं पीयूष से, शर्मा क्यों रहा है? शर्माते नहीं है, देखो दो बजे कितने अच्छे से बोल रहा है, शर्मा भी नहीं रहा। अरे अरे ओरी नहीं, नीचे नहीं छोड़ सकता यार, पूछ लेगा तुम्हारे ऊपर, नाखन वाखन लग जाएंगे। तो अभी सारे के सारे गाड़ी में आ गए सडनली, बिकॉज एकदम एक बहुत जरूरी काम हो गया था, गाड़ी आ रही है एक।
वो गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं हम, और साहिल चला लेगा उसको, सीखनी है ना साहिल को भी। मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है कि यार आज के बाद पिज्जा खाऊंगा ही नहीं। मेरा मन कर रहा है कि वो जो माइक्रोवेव में ऐसे ही लेके आया, मतलब वापस करके आते हैं उसको पिज्जा के लिए। हाँ, गर्म करने के लिए बेस्ट है वो। फोटो भी है क्या? जी हाँ जी, मैं फिर से कराने वाला हूँ, मेरे को फोटो ही लेनी है बस। अब आ रहा कोई नहीं। तो अभी ये सर मिले थे, आपका शुभ नाम? नवीन। कह रहे थे कि हमारी डॉटर वीडियो देखती है, थैंक यू सो मच। तो साहिल को गाड़ी सीखनी थी, इसलिए ये वाली गाड़ी चलाने के लिए आए, जो कि मैंने भी चलाई थी एक बार। कहाँ से ठुकी है? अबे बैक करते हुए खंबे में ठोक रखी है यहाँ पे। सीखने के लिए सही है वैसे ये, तू भी सीख ले ना, फिर इनोवा चलाइयो। पीछे तू मत बैठ अंदर। अरे ये खोल के देख, ये लग्जरी है, इसको खोल के देख भाई। इसमें लैपटॉप रखना हो, खाने पीने का रखना हो, देख कितना मस्त है ये एसी के, देख कितने मस्त है वो भाई साहब। स्क्रीन है, कुछ चलता है स्क्रीन में? नहीं। दोनों गाड़ियों को लेके जा चुके हैं और ये और मैं यहाँ पे सिर्फ बोर हो रहे हैं यार। चलो ये बैठ जाते हैं आपा। साहिल गाड़ी ले गया और वो रोक ही नहीं रहा है वो क्या? भाई हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं उसको। सारे आ जाओ, रुको, उसको रोक ही नहीं रहा यार वो। रोक दे, अरे जाना है यार साहिल। हाँ रोक किया, अब रोक किया उसको, उसको बोल उतरेगा। अब अपन अपनी इनोवा लेके चलते हैं। तो अभी हम रात को आए हैं ओरियो को लेके, इसका फेस देखना क्या हो गया है, बिल्कुल सूज गया है। और डॉक्टर की शॉप बंद पड़ी है, पता नहीं क्या काट गया इसको। अभी हम घुमाने लगे थे ना, तो अभी हम घर पे आ गए हैं ओरियो को लेके, एंड स्टिल जो इसका फेस है पूरा सूजा पड़ा है, पता नहीं इसको किसने काट दिया, पूरा फेस बदल गया देखना। क्या हुआ ओरियो? मुंह देखो इसका कैसा हो गया, पता नहीं। डॉक्टर तो मिला नहीं मुझे, क्या हुआ? मुंह भी मारता है ना ये, वो मिला तो मधुमक्खी है, जैसे मुंह भी मारता है। हाँ मधुमक्खी वगैरह ही है। मेडिकल स्टोर से हम कुछ दवाई लाए थे इसके लिए, बचपन में मम्मी मुझे ऐसे पिलाती थी, पानी में घोल के दवाई। आज ओरियो को पिला रहे हैं हम। ऐसे कैसे पिला रहे हो, गिरा देगा वो। मुंह खोलो और ले, अब खोलो, खोलो मुंह, खोलो ले, चम्मच से पिलाओगे? चम्मच दूं क्या? आ गलो खोलो, खोलो मुंह, खोल दे, खोल मुंह, खोल मुंह, खोल मुंह, खोल मुंह, खोल मुंह, खोल बोलो, खोल मुंह, खोल मुंह, खोल, दवाई दूंगी दवाई, खोल मुंह, खोल मुंह, खोल। मैं खोल रहा हूं, ऐसे थोड़ी होगा, फिर कैसे पिएगा दवाई? खोल खोल है मुंह, खोल का खोल मुंह, खोल मुंह, खोल खोल मुंह, खोल दवाई कैसे लेगा फिर? खोल है, पी गई तो है कुछ, तो गई थोड़ा सा, थोड़ा चोर खोलो, खोलो खाया डाल और नो और थोड़ा सा। तो अभी रात के बज गए 10:20, मैं डिनर करके आ गया हूँ और अभी तक ओरियो का फेस वैसे का वैसे ही है, ये बिल्कुल भी हरकतें नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। इसको मुंह में फील हो रहा होगा ना मोटा मोटा, हो जाएगा ठीक। ठीक है, कल सुबह आएंगे डॉक्टर, तो कल सुबह ले जाऊंगा इसको मैं डॉक्टर के पास, फिर वही करेंगे ट्रीटमेंट अच्छे से, क्या पता सुबह तक खुद ही ठीक हो जाए। जैसे ही हमने देखा इसका फेस एकदम सूज रहा है, जल्दी से हम ले गए थे, बट क्या करें लेट हो गए थे, डॉक्टर तो मिले नहीं। इसका तकलीफ मैं देख के ना मेरा भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, जल्दी ठीक हो जाए यार बस। पर मुझे एडिटिंग तो करनी है क्योंकि सुबह व्लॉग आएगा ना 8:00। मूवमेंट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, आराम से बस एक ही जगह पे बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। एनीवेज गाइस, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा और यू होपफुली ठीक हो जाएगा सुबह तक, नहीं तो फिर मैं इसको सुबह सुबह डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। फिलहाल इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड ओरियो हमारा बिल्कुल ठीक है, देख सकते हैं आप इसका फेस, तो इसलिए मैं क्लिप बना रहा हूँ। अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, अब इसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ठीक हो गया है। ठीक है वाली, चलो ठीक है, बाय।